नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रतीक। स्वागत है आप सभी का मेरे। तो भाई, रोड्स पर चलते समय आप कई सारे ऐसे लोगों को देखते होंगे जिनको गाड़ी चलानी तो आती है लेकिन सड़क पर कैसे चला जाता है उसके बारे में बिल्कुल भी नहीं पता होता है। मतलब बहुत ही बेसिक चीजों की बात कर रहा मैं, जैसे टर्न पर कैसे मुड़ना है, गाड़ियों को कैसे और किन चीजों का ध्यान रखकर ओवरटेक करना है, रोड को कब क्रॉस करना है, सिग्नल पर कब रुकना है, या ड्राइविंग और राइडिंग करते समय कैसे सामने से फोकस नहीं हटाना है। इन जैसी बहुत सारी चीजें हैं जिसे कार और बाइक वालों को सड़क पर चलते समय बाकायदा ध्यान में रखना चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ भाई लोगों के जो मन में आया कर देंगे, जहाँ से जैसे मन होगा वैसे निकलेंगे, और सबसे बड़ी बात वो उस चीज को गलत भी नहीं मानेंगे। और ऐसा ही कुछ आप आज के इस एक्सीडेंट में भी देखेंगे जिसे पंजाब से मिस्टर नमन शर्मा ने शेयर किया है। आपके पास भी किसी एक्सीडेंट का फोटो या वीडियो है तो प्लीज सारी डिटेल्स के साथ मेरे ईमेल, फेसबुक या फिर इंस्टाग्राम पेज पर। यह एक्सीडेंट रिसेंटली पंजाब के मोहाली में हुआ है, जिसका पहले आप यह डैश कैम फुटेज देखिए। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कार सिटी के अंदर एक फोर लेन रोड पर चल रही है, तभी नमन भाई को एक जगह पर लेफ्ट मुड़ना होता है और ये अपने गाड़ी का इंडिकेटर ऑन कर देते हैं और धीरे धीरे करके ये अपने गाड़ी को राइट वाले लेन से लेफ्ट वाले लेन में ले आते हैं बाकायदा इंडिकेटर के साथ। अब जब वो स्पॉट आता है जहाँ इनको मुड़ना है तो वहाँ पर भाई स्टेयरिंग को लेफ्ट घुमा देते हैं। हालांकि अनफॉर्चुनेटली उसी समय पीछे से एक होंडा शाइन वाले भाई ओवरटेक कर रहे होते हैं और गाड़ी का लेफ्ट साइड फ्रंट इनसे लड़ जाता है, जिसके बाद भाई बाइक के साथ ही सड़क पर गिर जाते हैं। अब वीडियो के स्टार्ट होते ही करीब 2 सेकंड बाद से आप क्लियरली सुन पा रहे होंगे कार ड्राइवर ने इंडिकेटर ऑन कर दिया है और ये बहुत आराम से गाड़ी को लेफ्ट वाले लेन में लाए हैं। लेकिन शाइन वाले भाई ने शायद इंडिकेटर पर या फिर गाड़ी पर ध्यान नहीं दिया और ये जल्दबाजी में बिना हॉर्न बजाए लेफ्ट साइड से यानी गलत साइड से ओवरटेक करने लगे, जिसका कुछ ऐसा रिजल्ट निकला। हालांकि अच्छी बात यहां पर ये थी कि बाइक राइडर पूरी तरह से सेफ हैं, फॉर्चुनेटली उनको ज्यादा चोटें नहीं आई हैं। अब एक्सीडेंट के बाद आसपास के कुछ लोग भी इकट्ठा हो गए थे जो बिल्कुल भी मानने को तैयार नहीं थे कि गलती बाइक वाले की है, वो सारा ब्लेम कार ड्राइवर पर ही डाल रहे थे। हालांकि मेरे हिसाब से नमन भाई को एक बार ORVM में चेक करने के बाद ही गाड़ी की स्टीयरिंग घुमानी चाहिए थी। लेकिन समझने वाली बात यह है कि अगर कार ड्राइवर की गलती दी जा रही है तो वो 100% में सिर्फ 10% के आसपास होगी। वो भी ये 10% सिर्फ इसलिए है कि भाई ने इंडियन रोड्स पर चलने वाले लोगों के बिहेवियर को अवॉइड कर दिया या भूल गए। बाकी सारी चीजें तो सही तरीके से की हैं इन्होंने, काफी पहले से इंडिकेटर दिया है और आराम से गाड़ी को लेफ्ट लेकर भी आए हैं। बाकी बात करें बाइक राइडर की तो इन्होंने ना इंडिकेटर को देखा, ना गाड़ी पर ध्यान दिया कि उसका लेन चेंज हो रहा है, ना एक बार भी हॉर्न बजाया जिसे ड्राइवर समझ सके कि ये भाई निकलने की कोशिश कर रहे हैं, और सबसे बड़ी चीज इन्होंने गलत साइड से ओवरटेक किया है। तो सारी गलतियां इनके तरफ से हुई हैं, उसके बावजूद लोग कार ड्राइवर पर सीधा सीधा ब्लेम लगा रहे थे और उनकी बात नहीं सुन रहे थे। हालांकि बाद में नमन भाई ने मैटर को रफा दफा किया। देखिए, अगर मैटर नॉर्मल तरीके से शांत हो जाए तो उससे अच्छी बात कुछ नहीं है, फालतू की चीजें क्यों आगे बढ़ाना। लेकिन सामने वालों को भी सारी चीजें समझनी चाहिए तभी कुछ बोलना चाहिए। भाई गिरे, इनके साथ बहुत बुरा हुआ और लोगों ने तुरंत हेल्प की, जो कि बहुत अच्छी बात है। लेकिन लोगों को ये भी देखना चाहिए कि इनके गिरने के पीछे ये खुद ही रीजन थे, तो फालतू में दूसरों पर क्यों चढ़ना। खैर भाई, आप लोग अगर बाइक चलाते हैं और ऐसी गलतियां करते हैं तो ये बहुत ही खतरनाक चीज है। यहाँ पर भाई की किस्मत अच्छी थी जो उनको ज्यादा चोटें नहीं आई, लेकिन कभी कभी ऐसा भी देखा गया है कि इस तरह गलत ओवरटेक करने पर लोगों की जान भी चली जाती है। इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट है, डेस्टिनेशन पर 2-4 मिनट लेट पहुंचिए लेकिन सही तरह से बाइक चलाइए। इसी के साथ कार वालों को भी फोकस्ड रहना चाहिए। मैं मानता हूं कई केसेस में उनकी गलती नहीं होती है, लेकिन अगर कार ड्राइवर लोगों के बिहेवियर को समझकर थोड़ा अटेंटिव रहेंगे तो वो दूसरों को चोट पहुंचने से बचा सकते हैं। बाकी भाई, डैश कैम लगवाना बहुत जरूरी है क्योंकि ऐसे चीजों में यही है जो साथ देता है। क्या इस एक्सीडेंट पर आपका क्या मानना है कमेंट में बताइए।